हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर 8, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अभी तक हमने पैरामीटर के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एरिया, स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया के बारे में। अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर करते हैं तो उसको हम साइड इंटू साइड फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट जैसे कि एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, अगर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसके मेजरिंग 3 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, साइड क्या है 3 × 3, देन 3 × 3 तो क्या हो जाएगा 9। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका अगर ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें स्क्वायर यूनिट होती है, ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरामीटर में क्या होता था, सिर्फ एज इट इज़ सेंटीमीटर रहता था, बट एरिया में क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट आ जाएगी, ठीक है। देन ऐसे अगर रेक्टेंगल का हम लेते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल लिया 12 मीटर एंड 5 मीटर एंड 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर 12 मीटर, ठीक है, तो इसकी लेंथ हो गई 12 और ब्रेथ हो गई 5, तो 12 × 5 60 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट आ जाएगी एरिया में। अगर इस तरीके का क्वेश्चन, तो ये हुआ कि हम डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द एरियाज ऑफ दीज फिगर्स यूजिंग द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर, देन हम किस तरीके से करेंगे, ऐसा कोई फिगर आ गया आपके पास जो टुकड़ों में है, तो हम इसको कैसे, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो इसमें क्या, ये 1 है, ये 1 है, तो इसके जस्ट सामने वाला भी 1 सेंटीमीटर एंड ये भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, सेम है यहाँ तक की, तो इससे क्या पता चल रहा है, ये स्क्वायर है। अब यहाँ क्या, ये 1, यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 है, तो 1 + 1 = 2, देन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर। अब इससे क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एरिया, फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं, देन एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फिगर का 1 × 1, साइड इंटू साइड, द 1 × 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन सेकंड का एज इट इज एरिया ऑफ सेकंड फिगर, सो क्या हो जाएगा, इसमें रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है 2 है और ब्रेथ है 1, देन 2 × 1, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एज इट इज एरिया ऑफ थर्ड फिगर, क्या हो जाएगा, 3 × 1, देन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ फोर्थ फिगर, फोर्थ में भी क्या हो जाएगा, 4 × 1, देन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो देखिए टोटल टोटल एरिया आ जाएगा इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 4, देन 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। थैंक यू।